कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, मैंने अपना एन्चेंटिंग रूम जो कि है थोड़ा सा सही कर लिया है, और एक ग्राइंडस्टोन और वो सब मैं लेकर आ चुका हूँ गाइस अब। और ये क्रॉसबो पता है गाइस मेरे को कहाँ से मिली? एक प्लेजर आउटपोस्ट गया था मैं उधर, जब मैं ढूंढ रहा था ऐसे ही, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए अब मैं नहीं जाता। सबसे पहले तो मैं पता है कि ग्राइंडस्टोन लेकर आया है, मैं ये डिसएन्चेंट करना चाहता हूँ। मैं डिसएन्चेंट करूँगा अपना पूरा सामान गाइस। अब मेरे को क्योंकि पता है गाइस मैं लेवल 30 एन्चेंटमेंट लेकर आऊँगा। एक सेकेंड, लेवल 30 की एन्चेंटमेंट लाने से पहले मेरे को अपने एक्सपी फार्म जाना पड़ेगा, मैं भूल गया था। तो और गाइस हाँ, मैंने एक्सपी फार्म में एक सेकेंड आया। हाँ तो गाइस मैं कहाँ पे था, हाँ मेरे को, हाँ मैंने अपने एक्सपी फार्म में ये भी बनाया थोड़ा सा, जिससे कि मैं ऊपर बार बार इजीली जा सकूँ, मेरे को इतना कष्ट ना सहना पड़े। सेंडरमैन को क्या हो चुका भाई? तो सबसे पहले जाते हैं हम, और हाँ रुक जाओ, सबसे पहले हम ऊपर जाके थोड़ी देर वो करते हैं एएफके, ताकि मॉब स्पॉन होते रहे। अगर नीचे जाना हो वाटर वगैरह मिल जाए तो हमको आती है, तो हम वो कर सकते हैं। चलो गाइस मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और हाँ हम चलते हैं नीचे। हैं कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ इसके अंदर? ओह हुआ है, हुआ है, और थोड़े स्पॉन होते हैं। हो गए, एक गया, दो गए। मैंने इधर पानी भी लगा दिया जिससे कि मॉब स्पॉन होते हैं। मॉब स्पॉन होते रहने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्रीपर नहीं, क्रीपर खड़े हैं। अच्छा हाँ, मैंने पानी लगाया था। और गाइस हाँ, मैंने एक वो भी बनाया ब्रू स्टैंड, जिससे कि वो मेरे को रॉटन फ्लैश के बदले में वो देता रहे। अबे तेरे को फूटने के अलावा कुछ आता भी है क्रीपर? ऐ मेरे पास ब्लॉक्स होंगे थोड़े बहुत। हाँ ये कैसी आवाज कर रहा है क्रीपर? ये ले तेरे को, ये दूंगा मैं यार उसे। आगे स्वाद 20 लेवल हो चुके हैं गाइस। गाइस थोड़ी देर बाद जब हमारा हो जाएगा पूरा लेवल कंप्लीट, वही गाइस तो मेरा हो चुका है 23 लेवल ही। हा 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 हा, मैंने 23 लेवल बैट करा था। नहीं क्रीपर पटना मत, हमारी चेस्ट एक पूरी भरने को आ रही है चेस्ट। ओ भाई एन्चेंटेड सफल पूरी मैप्स, हमें तो एरो की तो जरूरत है ही, तो मेरे पास एरो कम ही रखे होंगे। यस ओ अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया यार। वैसे जब मेरी लेवल हो जाएगी तब मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं अभी क्यों मिला हूँ। तो गाइस हमारा हो चुका है लेवल 33 और हम पे लोटन फ्रैश की तो कमी है नहीं। तो काम करती है अपनी, इस पे लगाएंगे हम इस पे लगाएंगे सिल्क टच शर्ट। शार्पनेस 3
आर्मर में कैसे कैसे एन्चेंटमेंट देगा? मेरे को क्या चाहिए? तो लेगिंग्स में क्या दे रहा है? प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन फोर प्रोटेक्शन थ्री। जूते किधर है बे? प्रोटेक्शन थ्री। ओके, यानी मेरे को सबसे पहले चाहिए होंगे पहले तो गाइस रुको, मेरे को अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो सारा फालतू और फर्जी का सामान तो हम इधर ही रखते। टॉर्चेस का क्या काम रहेगा वैसे? तो हम कॉबल स्टोन भी इधर रख देते, ये भी इधर, इसको भी इधर, हॉल को भी इधर, इसको भी इधर, ये पूरी चेस्ट हमारी लगभग भर गई है। टन 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 और टन 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 और टन टन टन। अरे मैं लैपिस लूली तो भूल ही गया। मेरा लजूली भी है किधर था? मेरे पास तो है यो नहीं। ये रहा, एमरल्ड का कुछ काम नहीं है ना, इसको मैं पकाने के लिए रख देता हूँ खाने को थोड़ा बहुत। तो अबे गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ, भूल गया था, गोल्ड का भी फायदा, तो उसके लिए हमें ये एक गोल्डन एप्पल। तो हमारे पास आ चुका है फाइनल एक गॉड एप्पल। चलो अब हम जाते हैं सीधे। टन 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 टन। आई नीड दिस प्रोटेक्शन फोर, जिसमें मैं क्या था? अच्छा, इस पर प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन फोर है ना, बदला क्या? सिल्क टच। हम अपनी शार्पनेस थ्री, तो अच्छा स्टेप शार्पनेस वन थी। अरे लैपिस लजूली की दरिया। अब मैं फिर से लैपिस ले रहा हूँ। मेरे पास जितने भी रोटन फ्लैश है मैं वो सब कलेक्ट करके आपको अपने ब्रूअर भैया से भी मिलवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले तो मैं ये इस पे लगाऊंगा अपनी थोड़ा सा। ये क्या भाई, ये क्या चीटिंग है? फायर प्रोटेक्शन अब आ रहा है लैपिस लाजूली लगाने के बाद। चीटिंग करता है तू। ओ भाई ये क्या है? कितना लेवल था भैया? कितने लेवल का बेच रहे हो? इतनी खतरनाक एन्चेंटमेंट, मैं तो दंग हो गया बे। मेंडिंग हो जाती तो और बढ़िया रहता। देखो तो अनब्रेकिंग थ्री, फायर प्रोटेक्शन डायमंड हेलमेट। शॉट तो मेरी देखो, नॉक बैक है भाई। ये कौन सी बुक है? एक्वा इन्फिनिटी। चलो पर लगाऊंगा तो फिर ट्विक। एक सेकेंड, हाँ चल रही है ना। मेरे को किधर जाना है? विलेज की ओर ना। एंटर पर लॉक। अब ये देखना मेरी स्पेशल कितनी
इतनी बड़ी एमएलजी करते हो ना दोस्तों, तो ऐसी एमएलजी काश कोई और ना करे। अरे मेरे को इधर से एमएलजी हो ही नहीं पाती कतई। मेरा ब्रूअर भैया किधर है? ब्रूइंग स्टैंड एक ऐसा घर जिसके अंदर बेड हो। रेड होने वाली है ये है। अबे डर के भाग क्या? हाँ अच्छा, ये लोग बेड के पास जा रहे हैं। अंदर क्या कर दी उन्होंने? अरे भाई इधर तो पूरी फैमिली है, निकलो इधर से। ये बता मेरे ब्रूअर साहब किधर हैं? थोड़ी बहुत ट्रेड करनी है उनसे। अरे तूने ब्रूअर को देखा? कर दी ना, कर दिया ना, गलती से शॉट क्या लग गई, वो मर ही गया एक बार में। अब मेरे को कोई और विलेजर को लेकर आना पड़ेगा। रुको इससे टूटेगा आई थिंक। हाँ पोर्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंस स्पीकर। एक आइडिया है ना मेरे पास, तो सब नेक्स्ट आई दूर हटी हूँ, लग जाएगी, लग जाएगी। वाह कौन सी साइड से भी मैं भी तोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं स्ट्रांग होल्ड में चला जाता अभी सीधे। आ बेटा तू इधर आ। अंदर आ तू, मेरे पास लीड है, मैं लीड से तेरे को बांध कर लाऊंगा। अब मैं बांध नहीं सकता है, ठीक है ना आंसर तू। चलो अंदर शांत चुपके चाप से, चल अंदर, चल अंदर। मेरे को लगता है ये नल्ला है। अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर कुछ करना है मेरे को इसलिए। जल्दी घुस, सबसे पहले तो मेरे को ये वर्क ब्लॉक लगाना है ताकि कोई एक विलेजर बन जाए। हाँ अबे यार गलती से पड़ गई। चलो हाँ अंदर ही आना पड़ेगा वरना मैं ब्लॉक ही करने वाला ये रास्ता। अब तुम लोग अंदर बंद हो चुके हो। ओके तो मेरे पास वाटर फिनिश है, कितना जीरो है। हो गई क्या? हो गई, मैं पागल हो गई हूँ, ये तो पहले से था। और तू नल्ला विलेजर है तो निकल भाई। कितनी हेल्थ होती नल्ले की? उसको मैं क्योर कर सकता हूँ पर उसके लिए पोर्शन ऑफ वीकनेस होना जरूरी है।
मैंने फर्जी में ग्राइंडस्टोन बनाया है यार। नो, मेरा घर आ गया है पर हमें और आगे जाना है, हमें सीधे इधर चलूंगा मैं, उस साइड भले ही मेरा घर हो। अबे वाह, तो चलो 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 मैं ये क्या कर रहा हूँ बेफालतू का, ये क्या टॉर्च है, मैं डर गया क्या। कितना रोटन फ्लैश है सारा दे दो अपन को, और कुछ तेरे पे रोटन फ्लैश और है जितना है सब दे दो। अरे भर के भर के रोटन फ्लैश भर रहे यार। चलो ओ अब तो इनफिनाइट फूड, सीधे कुक्ड फूड मिलेगा अब तो, इनफिनाइट है। और डायमंड, डायमंड की माइनिंग कर सकते हैं। वाओ, ओ भाई स्केलेटन हॉर्स, मेरे पास लीड है, इसको लीश करके मैं फेंस से लीड कर दूंगा इसको कहीं ना कहीं पर बाद में, क्योंकि रिस्पॉन तो होते नहीं है जहाँ तक। मैं किधर आ चुका हूँ, मेरे को विलेज जाना है ना। वाओ, मैं पहली बार ऐसी केव देख रहा हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। मेरा घर वो है, अबे घर ही गायब हो गया मेरा, वो घर है उधर है हो रहा। गाइस अगर मेरे को इन्फिनिटी कोई विलेज ट्रेड करेगा ना, मेरे घर के आसपास ना जानवर बहुत घूमते हैं, क्योंकि मैंने पेड़ बहुत लगा रखे अपने घर के एंट्रेंस पे। भाई अब तक का बेस्ट है ये, 21 लेवल है मेरा फिलहाल, 24 लेवल करना है ना, तो इनको मॉब्स को मार मार के ही हो जाएगा इतना तो। ये क्या है, हैं खाना कलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। वो भाई हो गई, हो गया ये है कौन? अच्छा फ्लेचर है। उसके हाथ में ब्रेड क्या कर रही है आप? चल ट्रेड कर हूँ। तो ये
ही ट्रेड करा। चलो फाइनली। लेटरेट ला पॉइंट फनाइटी देता है। चल नूबड़े सब तो यार गाइस मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता था अपना आधा आर्मर। भाई पता नहीं कितनी खतरनाक खतरनाक ट्रेड है यार इन पे। तो यार गाइस अब गाइस हम ना अगली वीडियो में हम थोड़े बहुत पोशंस एक स्किन अगली वीडियो में पोशंस और आयरन फार्म बनाने का ट्राई करूंगा। तो चलो भाई चलते हैं। बाय बाय।